हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है जो भी डिमांड करता है, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसमें चार जने डिमांड कर रहे होते हैं, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में चार ही जने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहला जना है हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसे हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन कहते हैं। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसे हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन कहते हैं। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है हम उसे इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कंजम्पशन है ना वो किससे रिलेटेड है? कंजम्पशन उसके डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड का मतलब क्या है? अगर डिस्पोजेबल इनकम उसकी हाई होगी तो कंजम्पशन भी उसका हाई होगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी इसका कम होगा। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। पहला जो फैक्टर्स आता है वो हाउस होल्ड आता है, ठीक है। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए करता है, और इसकी जो डिमांड होती है ना डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब है कि जो चीज इसे चाहिए वो उस चीज की डिमांड कर देता है, जो चीज इसे चाहिए ये उस चीज की डिमांड कर देता है, इसलिए जो इसकी डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्म पे। यहां पर जो फर्म की बात हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर के फर्म की बात हो रही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का फर्म जो है वो दो तरीके के गुड्स की डिमांड करता है, ठीक है। तो यहां पर ना हम साल के एंड वाले की बात करेंगे, बैलेंस शीट के आइटम की बात करेंगे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो उसका कैपिटल गुड्स हो जाएगा, और एक हो गया वो जो इन्वेस्टमेंट इन मशीन टूल्स और ये सब करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो गई, ठीक है। अब इस चैप्टर को ना ढंग से समझने के लिए हमने जो फर्म है उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हमने उसे ऑटोनॉमस माना है, ठीक है। इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए हमने उस फर्म की डिमांड को ऑटोनॉमस माना है। चाहे पूरी इकोनॉमी की इनकम 100 हो, 200 हो, 0 हो, 1000 हो, 5000 हो, ये मैटर नहीं करता। अगर इन्वेस्टमेंट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 20 था तो चाहे 100 लेवल ऑफ इनकम हो तब भी 20 होगा, अगर 200 लेवल ऑफ इनकम हो तब भी 20 होगा, अगर 300 लेवल ऑफ इनकम हो तब भी 20 होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है, और जो हाउस होल्ड है उसकी कंजम्पशन को वेरिएबल माना है, और वो डायरेक्टली किसके रिलेटेड है? वो डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो हाउस होल्ड की इनकम से रिलेटेड है, और हाउस होल्ड की जो इनकम है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और अगर डिस्पोजेबल इनकम घटता है तो कंजम्पशन भी घटता है, ओके। और क्या लर्निंग आउटकम्स रखने, ठीक है। और जो दो सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं और फॉरेन सेक्टर होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो इसलिए जो तुम्हारे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला तुम्हारे क्लास के हिसाब से ही हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो होगी इसमें वो ऑटोनॉमस होगी, ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब है चाहे इनकम बढ़े या घटे वो मैटर नहीं करता, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी, ठीक है। कंजम्पशन का ना एक और फॉर्मूला होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की बात इन फ्यूचर करेंगे। इस बी को हम एमपीसी कहते हैं और इसे हम इनकम कहते हैं, ठीक है। और ये इनकम मतलब नेशनल इनकम है। अभी हम इस बी की बात करेंगे कि बी का होता क्या है, ठीक है। चलो इससे पहले हम सबसे पहले कंजम्पशन की बात कर देते हैं, और इस कंजम्पशन को हम कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कह रहा हूं इनकम 100 है और कंजम्पशन 120 है, इनकम 100 है और कंजम्पशन जो है वो 120 है, तो ये जो चीज है ना वो कहलाएगा कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इनकम 100 और कंजम्पशन 120 है, इनकम जब 200 है तो कंजम्पशन 240 है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन में दिखा रहा हूं, मान लो एक और कंजम्पशन है वो मान लो 340 है, मान लेते हैं ऐसा, ये इमेजिनरी कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम बता रहा हूं और डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन बता रहा हूं तो वो कंजम्पशन फंक्शन है। जब मैं एक इनकम और एक कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो वो तो कंजम्पशन हो जाएगा, और जब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम और डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा। जब मैं एक इनकम और एक कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ तो कंजम्पशन है, और जब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम और डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ तो वो कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम और डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ तो कंजम्पशन फंक्शन है।
ओके तो किनीशियन ने, जिसने ये पूरी थ्योरी बनाई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाया था, किनीशियन ने तीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिए। पहला साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन उसने ये दिया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड किनीशियन ने ये बोला कि अगर मान लो पहले आपकी इनकम 5,000 थी, ठीक है, तब आप कंजम्पशन कर रहे थे 4,000, ठीक है, अब आपकी इनकम हो गई 10,000, ठीक है, तो आप जो कंजम्पशन कर रहे हो, अब इसे थोड़ा ना वैसे ले लेते हैं, अगर मान लो आपकी इनकम 10,000 थी तब आप कंजम्पशन कर रहे थे 8,000, अब आपकी इनकम हो गई 20,000, लेकिन आप कंजम्पशन जो कर रहे हो 12,000 कर रहे हो, तो वो ये कहना चाहता है कि आपकी जिस हिसाब से इनकम बढ़ती है उस हिसाब से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा होता, जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा होता। पहला उसने क्या कहा, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। दूसरा उसने कहा, जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता, जैसे आपकी इनकम जो है वो 100% से बढ़ी है लेकिन आपका कंजम्पशन 100% से नहीं बढ़ा, ठीक है, इसे तो 16,000 हो जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थर्ड उसने ये कहा, चाहे इनकम जीरो लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि दो तीन जने एड ऑन हुए, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले मैंने बताया चार तरीके के लोग डिमांड कर रहे होते हैं पूरी इकॉनमी में, चार तरीके के लोग डिमांड कर रहे होते हैं पूरी इकॉनमी में, हाउस होल्ड, ठीक है, और हाउस होल्ड जो डिमांड करता है उसे हम कंजम्पशन कहते हैं, कंजम्पशन डिमांड। इसकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट का मतलब है जो इसका मन करता है वो उस चीज की डिमांड करता है, ऐसे डिराइव कर नहीं होती। डिराइव का मतलब क्या, अगर मान लो मेरा ट्यूशन है तो मैं व्हाइट बोर्ड की डिमांड करूंगा, चौक की डिमांड करूंगा, स्टडी मटेरियल की डिमांड करूंगा, लेकिन जो हाउस होल्ड की डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है, जो उसका मन करता है वो उस चीज की डिमांड करता है, ठीक है। हाउस होल्ड जो कमाता है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, तो हाउस होल्ड के कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का रिलेशन जो है पॉजिटिव होता है, अगर हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और अगर हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो उसका कंजम्पशन भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फर्म, ठीक है, यहां पर जो फर्म की बात हो रही है वो प्राइवेट फर्म की बात हो रही है, ठीक है। प्राइवेट फर्म जो है वो या तो इन्वेस्टमेंट करता है या फिर एट द ईयर एंड उसके पास जो स्टॉक पड़ा होता है वो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ठीक है। इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, चाहे इनकम 100 हो, चाहे इनकम 200 हो, चाहे इनकम 5,000 हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 है तो हर लेवल ऑफ इनकम पे वो 20 रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है। उसके बाद आता है आपका एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड में दो और कॉम्पोनेंट आते हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला बिल्डअप हो जाता है 12th क्लास में वो जाता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस रहता है, सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और कंजम्पशन का एक और फॉर्मूला है, अगर आपको कंजम्पशन नहीं गिवन है तो कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तब जो कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। बी मतलब एमपीसी होता है जो मैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, और वाई मतलब इनकम होता है। अब कंजम्पशन फंक्शन पे आते हैं, अगर मैं कह रहा हूं 100 इनकम है और 120 कंजम्पशन है तो इसे मैं कंजम्पशन कहूंगा, और जब मैं कह रहा हूं 100 पे 120, 200 पे 240, 300 पे 340 तो इसे मैं कंजम्पशन फंक्शन कहूंगा। जब मैं एक इनकम और एक कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो कंजम्पशन है, और जब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम और डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूं तो कंजम्पशन फंक्शन है। तो किनीशियन ने तीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिए थे। सबसे पहला उसने कहा था अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। सेकेंड उसने कहा था जिस हिसाब से इनकम बढ़ती है उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ता, जैसे कि यहां पर 10,000 इनकम थी तब 8,000 कंजम्पशन था, जब इनकम 20,000 हो गई तो कंजम्पशन बस 12,000 हुआ, बस 4,000 से बढ़ा,
जबकि उसे 8,000 से बढ़ना चाहिए था। मतलब अगर प्रपोर्शनेटली चीज चल रही है तो प्रपोर्शनल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा कि इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, और इनकम जीरो के टाइम पे जब कोई कंजम्पशन हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम जीरो के टाइम पे जब कोई कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके दो टाइप्स होते हैं, और कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। जब भी मार्जिनल की बात है तो एपीसी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सबसे पहले एपीसी की बात करते हैं। इनकम का कितना हिस्सा इंसान कंज्यूम कर रहा है उसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मान लो पूरी इकोनॉमी 1,000 कमा रही है और 800 खर्च कर रही है तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, एमपीसी। एमपीसी में क्या होता है, पहले मान लो इनकम जो थी वो 5,000 थी, तब जो कंजम्पशन हो रहा था वो 2,000 हो रहा था, अब इनकम हो गई 7,000, कंजम्पशन जो हो रहा है वो हो रहा है 2,500। तो एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इनकम के चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। तो इनकम में मेरा चेंज आया है 2,000 का, क्योंकि पहले मेरी इनकम 5,000 थी अब 7,000 हो गई। मेरे जो कंजम्पशन में चेंज आया है वो 500 का आया है, पहले जब 5,000 इनकम थी तो 2,000 कंज्यूम कर रहा था, अब 7,000 इनकम है तो 2,500 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 500 का चेंज आया। तो इससे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एमपीसी आएगा, ठीक है। अब हमें फीचर्स याद रखना जरूरी है कि एमपीसी और इन सब के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स से पहले दो तीन पॉइंटर्स लिख लेना। जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो जब इनकम जीरो होती है और कुछ कंजम्पशन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले जो आपकी सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले आपकी सेविंग नेगेटिव होती है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। ये पता कैसे चल रहा है, पहले 100 इनकम थी, कंजम्पशन 120 हो रहा है, मतलब पैसा नहीं है, उधार उधार लेकर आया हूं, ठीक है। तो जब इनकम जीरो है और कुछ कंजम्पशन हो रहा होता है तो वो पैसा आ कहां से रहा होता है, तो या तो आप अपनी पास्ट सेविंग को यूज करते हो, या तो आप अपने एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हो, या फिर आप उधार लेते हो, ठीक है। यहां से तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ देख लेते हैं। ये स्ट्रेट क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस माना है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, चाहे इनकम बढ़े या घटे वो मैटर नहीं करता, ये चीज तो इतनी रहेगी। फिर आपका कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जब मर्ज कर दोगे तो एक अपर लाइन बनेगी, तो AD इक्वल टू C प्लस I। अब जो फीचर्स याद रखने हो ये याद रखने, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले एपीसी जो है मोर देन वन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले एपीसी मोर देन वन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी वन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से बाद एपीसी जो है वो लेस देन वन हो जाता है, क्योंकि सेविंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी फॉल हो रहा होता है. तो एपीसी इज मोर देन वन, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले एपीसी मोर देन वन होता है. एपीसी इज इक्वल टू वन, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी इक्वल टू वन होता है. और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है एपीसी जो है वो फॉल हो रहा होता है. और एपीसी लेस देन वन कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद. और एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती. और अगर तुम इक्वेशन में पुट भी करो कि मान लो इनकम जो है वो जीरो है और कंजम्पशन जो है 40 है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन इनकम. तो जब तुम इसे काटोगे तो नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन आएगी. ठीक है, तो एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम जीरो. हाउएवर कंजम्पशन इज नेवर बिकम जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम. इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. अब एमपीसी के फीचर की बात करते हैं. एमपीसी का जो आंसर है वो जीरो टू वन लाई करेगा. ठीक है, एमपीसी पुअर का जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिच का. पुअर का एमपीसी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अगर उनके इनकम में चेंज आता है तो उनके कंजम्पशन में भी चेंज आता है. उसके बाद आता है तुम्हारा एमपीसी फॉल हो रहा होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है. एमपीसी फॉल हो रहा होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है. उसमें एक चीज बस याद रखना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? एमपीसी. स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व जो है वो एमपीसी होता है. स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व जो है एमपीसी आता है. अब आते हैं सेविंग फंक्शन पे. तो अगर मैं कह रहा हूं एक इनकम और एक सेविंग, ठीक है, ये सेविंग, क्योंकि जब इनकम जीरो है और कंजम्पशन हो रहा है तो ये नेगेटिव ही होगा, तो इसे हम कहेंगे सेविंग. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट इनकम और डिफरेंट डिफरेंट सेविंग, तो उसे मैं सेविंग फंक्शन कहूंगा. अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक एपीएस होता है और एक होता है तुम्हारा एमपीएस. इनकम का कितना हिस्सा तुम सेव कर रहे हो वो होता है तुम्हारा एपीएस. इनकम का कितना हिस्सा तुम सेव कर रहे हो वो होता है तुम्हारा एपीएस. और इनकम के चेंज आने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है वो तुम्हारा एमपीएस होता है. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले जो तुम्हारा एपीएस होता है वो नेगेटिव होता है. ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस जीरो होता है और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस जो है पॉजिटिव हो जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस जो है पॉजिटिव हो जाता है. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस पॉजिटिव हो जाता है. और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है एपीएस भी बढ़ रहा होता है. तो एपीएस कैन नेवर बी वन क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, ये सिनेरियो तो तभी आ सकता है ना जब तुम्हारी 5000 इनकम है और तुम 5000 सेव कर रहे हो. लेकिन 5000 इनकम है और 5000 सेव करो, ऐसा सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता. कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, चाहे वो 100 रुपए ही कंज्यूम करो. इसलिए एपीएस कभी भी वन नहीं हो सकता और मोर देन वन तो हो ही नहीं सकता. एपीएस जीरो हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे. एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन जब तुम्हारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उस टाइम पे आपकी सेविंग नेगेटिव होती है. और एपीएस राइज हो रहा होता है जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही होती है. और सेविंग कर्व का जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व जो होता है वो एपीएस होता है. एमपीएस. चलो, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन होता है. एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वन होता है. ठीक है, और कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई, और बी का मतलब है एमपीसी. वैसी सेविंग का फॉर्मूला होता है, इसी से डिराइव होता है, नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस वन माइनस बी इंटू वाई. ओके, यहां तक अभी जिसको भी पढ़ाया कोई दिक्कत तो अनम्यूट करके पूछ लो. सेविंग का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस वन माइनस बी इनटू वाई. ये मतलब एमपीएस दो है. हाँ, एमपीसी. बी का मतलब हमेशा एमपीसी है. लेकिन वन माइनस बी एमपीएस होगा. हाँ, वन माइनस बी एमपीएस. किसी को कोई दिक्कत अगर आ गया तो थम्स अप कर दो जरा.
फोर स्टूडेंट्स ही है ओके बोलो रिधिमा कुछ पूछना है सेविंग फंक्शन के अंदर बी क्या है क्या चीज क्या चीज सेविंग फंक्शन के अंदर बी क्या है बी मतलब एमपीसी है ठीक है ओके बी हमेशा एमपीसी है ओके अब इसे जल्दी जल्दी समझना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर आपकी इनकम से आपको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे जैसे कि मान लो वाई को मैं इन्वेस्टमेंट मान रहा हूँ ठीक है या फिर एम को मानते हैं इन्वेस्टमेंट मैंने एम किया 5000 मुझे जो रिटर्न आया मेरे को इनकम जनरेट हुआ 2000 का ठीक है रिटर्न आया मेरे को 2000 का ठीक है 2000 का रिटर्न आया और 5000 मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू था तो 7000 आया मेरे पास अब मान लो कि मैंने अब इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा और इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो इस सिनेरियो में क्या होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट और ज्यादा होगा और आप एस्टिमेट कर पा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहता है चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए या घट जाए ठीक है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करता है ठीक है गवर्नमेंट जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करता है और वो लेवल ऑफ इनकम से चेंज नहीं होता तो अब इसे पढ़ लेते हैं इट इज ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव एज इट इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इट इज डन बाय फॉर सोशल वेलफेयर इनकम इलास्टिक तो इनकम इलास्टिक होता है क्योंकि इनकम में अगर चेंज आता है तो इसके इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता है और वो जो होता है वो इनइलास्टिक होता है ठीक है उसमें चेंजेस नहीं आते ठीक है इट कर्व्स अपवर्ड स्लोपिंग और ये इनकम इलास्टिक होता है और ये इनकम इनइलास्टिक होता है इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे एग्रीगेट सप्लाई ना चार तरीके के लोग देते हैं या तो लैंड देते हो तुम या तो लेबर देते हो या फिर कैपिटल देते हो या फिर एंटरप्राइज देते हो लैंड पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो रेंट मिलता है लेबर पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो वेजेस मिलता है कैपिटल पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है आपको इंटरेस्ट और बिजनेस माइंडेड वाले पे जो मिलता है वो आपको प्रॉफिट मिलता है ठीक है अब मान लो इसने 2 रुपए कमाए इसने 3 रुपए कमाए इसने 4 रुपए कमाए इसने 5 रुपए कमाए 2, 3, 5, 5, 5, 4, 9 और 9, 5 जो है वो तुम्हारा कितना हो गया 14 ठीक है तो हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी 14 ठीक है तो हमारा जो फॉर्मूला बिल्डअप हो गया वो क्या हो गया इनकम ये हो गया इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ठीक है और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग क्योंकि अगर मान लो लैंड वाले ने 2 रुपए कमाए तो या तो वो 1 रुपया खर्च करेगा और 1 रुपए सेव करेगा या फिर वो 2 रुपए में से 1.5 रुपए खर्च करेगा और 0 पॉइंट सेव करेगा या 2 रुपए के 2 रुपए बिल खा जाएगा ठीक है उस टाइम पे सेविंग 0 हो जाएगी तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले बिल्डअप हो पा रहे इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग ओके जब इनकम 0 होती है और कुछ कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं और उस टाइम पे जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है नेगेटिव सेविंग को डिस सेविंग कहते हैं नेगेटिव सेविंग को डिस सेविंग कहते हैं नेगेटिव सेविंग को डिस सेविंग कहते हैं ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग जो है प्लस में हो जाता है चलो अभी जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है बस मैं वो करवा रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहला आता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला आता है सप्लाई प्राइस सिंपल सी बात है सप्लाई प्राइस का मतलब है अब मान लो अभी मेरे पास एक लैपटॉप है मान लो एचपी का लैपटॉप है जो 50,000 का है उसे मैं 2 साल से चला रहा हूँ ठीक है अब मैं उस 50,000 के लैपटॉप को छोड़कर एक नया लैपटॉप लाया 90,000 का एचपी का ठीक है तो 90,000 सप्लाई प्राइस हो जाएगा जो नए का प्राइस है वो सप्लाई प्राइस है जो नए का प्राइस है वो सप्लाई प्राइस है और कुछ मत सोचना बस जो नए का प्राइस है वो सप्लाई प्राइस है क्या सर 50,000 को कुछ करना है नहीं करना ठीक है जो नए का प्राइस है वो सप्लाई प्राइस है फॉर एग्जाम्पल इफ अ मशीन ऑफ 10,000 इज रिप्लेस इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन देन 10,000 इज द सप्लाई प्राइस इफ अ मशीनरी ऑफ 10,000 इज रिप्लेस इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीनरी देन 10,000 इज द सप्लाई प्राइस तो इस एचपी लैपटॉप का सप्लाई प्राइस क्या है 90,000 ठीक है
अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है रिटर्न कितना दे रहा है। तो मान लो वो जो लैपटॉप था वो 10,000 का था, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो 1,200 का हो रहा था। रेवेन्यू में आपका एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब मान लो उसमें जो एक्सपेंस आया वो 200 आया, तो आपको 1,000 रुपए का नेट इनकम आ रहा था। आपने 1,000 लिखा तो आपको 10% × 100 क्या तो परसेंटेज में आ गया, तो आपको 10% का रिटर्न आ रहा है। तो अगर मान लो आपको कोई कर्ज 8% का मिल रहा है, ठीक है, कोई उधार आपको 8% का मिल रहा है और रिटर्न तो आपका 10% है, तो आप उधार उठा लोगे, ठीक है। वही अगर मान लो कि आपका जो उधार है वो 12% का आ रहा है और आपको रिटर्न जो है वो 10% का मिल रहा है, तो आप उधार नहीं उठाओगे, ठीक है। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जो परसेंटेज आया प्रोस्पेक्टिवली वो कम होता है, तो आप बोरो नहीं करते। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज्यादा होता है मतलब कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, ठीक है। तो अब यही लिखा है इसमें, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद बिटवीन आरओआई एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आरओआई आपका ज्यादा है मतलब अगर मान लो ये 12% है, द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस, ठीक है। और अगर आपका रिटर्न जो है वो 10% है तो देन फिर आप नहीं करोगे, बोरो नहीं करोगे। वही अगर इसका वाइस वर्सा होता तो आप बोरो करते। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछ लो। सर हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बिटवीन एमईआई एंड आरओआई। देखो ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ये इंडिकेट करता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न कितना आएगा। अब मान लो कि मैं एक लैपटॉप ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के लिए और उस लैपटॉप से जो मुझे रिटर्न आ रहा है वो 20% का आ रहा है, और मैं बजाज फिनसर्व के पास गया, मैंने अभी एस्टिमेट किया कि 20% का रिटर्न आएगा। अब बजाज फिनसर्व के पास जब मैं लोन लेने गया तो लोन मुझे मिल रहा है 25% का, तो अब बताओ क्या मैं लोन लूंगा? नो सर। नो, ठीक है। तो जब आपका आरओआई ज्यादा होता है, ठीक है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो जो है वो कम है, तो आप बोरो कम करते हो, ठीक है। वहीं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो यही चीज जो है 15% हो जाता तो मैं प्यार से लेता बजाज फिनसर्व से कि दे दो मुझे उधार, दे दो। समझ गए। अब जरा yes, पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग मतलब लोन लेना, ठीक है। अब वो लोन भी हो सकता है, अपना पैसा भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि आपको उधार तो ज्यादा पे पड़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। समझ गए। अब आते हैं कंपैरिजन। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है देन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। फॉर इंस्टेंस इफ एन एंटरप्रेन्योर हैज पेड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एक्वायर्ड बाय हिम एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है उससे, ठीक है, तो उधार उठा लेगा। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ लो। सप्लाई प्राइस, सप्लाई, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम, मैं ना डोमेन क्लासेस, वैसे तो आईएमएस में मेरा वर्कशॉप चल रहा है, बाकी मैं अलग से भी डोमेन क्लासेस ले रहा हूँ। ओके,
सॉरी स्टूडेंट, एक जने का कॉल आ गया था, ठीक है। हाँ, तुम सप्लाई प्राइस पूछ रहा था ना, कोई सप्लाई प्राइस का मतलब होता है जो नए का प्राइस है। मान लो तुम एक फैक्ट्री चला रहे थे, उस फैक्ट्री में तुमने 5 लाख की मशीनरी ले रखी थी। अब मान लो मशीनरी थोड़ी खराब सी हो गई, अब तुम नई मशीन लाए और नई मशीन तुम 7 लाख की लाए, तो जो 7 लाख है वो सप्लाई प्राइस है। तुम्हें अब उस 5 लाख का कुछ नहीं करना, वो 7 लाख जो है सप्लाई प्राइस है। समझ गए? समझ गए? आ गया ये सर। ओके ओके, और किसी को यहां तक कोई डाउट? ओके, एक्सांटे मतलब होता है प्लांट, और एक्सांटे के आगे जो भी शब्द आ जाए वो प्लांट चीज है। तो अगर एक्सांटे सेविंग है मतलब प्लांट सेविंग है, एक्सांटे इन्वेस्टमेंट है मतलब प्लांट इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोज मतलब एक्चुअल। तो अगर किसी भी वर्ड के साथ एक्सपोज्ड आ जाए तो एक्सपोज्ड मतलब एक्चुअल, तो एक्सपोज सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एक्सांटे सेविंग और एक्सांटे इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं। अब इन दोनों के ना कॉन्सेप्ट समझता है। जनरली सेविंग इज डन बाय द हाउसहोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म। सो सेवर एंड इन्वेस्टर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। फर्म क्यों करता है? फर्म इसलिए करता है, देखो जिसे हरकत करनी हो चले जाओ भाई, लिखा होता है कहां पर? इसमें ऊपर टॉप में ही बात है। ये अच्छा, ये यही वाला। चलो ये आते हैं। जनरली सेविंग इज डन बाय द हाउसहोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म। So saver and investor are different people with different priorities. Saving is made in small amount or investment जो होता है वो big amount में होता है। तो saving is made up of meeting future uncertainty, जो household क्यों save कर रहा होता है, जिससे कि future की uncertainty को meet कर सके, and event or contingency, whereas investment is made for profit motive। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये तो आ गया होगा। okay। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब जितने लोग, मान लो 2000 पीपल है, 2000 पीपल रेडी है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को, और 2000 पीपल को जॉब मिल गई, तो उसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी दो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल का मतलब है अगर मान लो कि अभी मेरी जो करेंट जॉब है वो HDFC बैंक में, और अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। अब मान लो कि मेरी जॉब लग गई सिटी बैंक में, और सिटी बैंक में मेरी ज्वाइनिंग है जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि HDFC ने कि 1 महीने आपको पहले बताना पड़ेगा, तो मतलब मैं मई में काम करूंगा, लेकिन जून तो मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा, तो जून जो मैं अनएम्प्लॉयड रहा हूं उसे मैं कहूंगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पे अगर आप जा रहे होते हो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप जो अनएम्प्लॉयड रहते हो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है मान लो कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई जॉब पड़ी है, लेकिन बीटेक वाले को कॉमर्स तो आता नहीं है, ठीक है, तो वो उस जॉब को नहीं कर पा रहा, तो स्किल अनस्किल्ड होने के कारण या फिर उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है उस जॉब को करने के कारण, इसलिए वो उस जॉब को नहीं कर पा रहा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो जरा।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उससे भी पढ़ना ही पड़ेगा सर। ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो 2000 पीपल चाहते हैं कि जॉब करना, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे रेडी है, लेकिन 1000 के लिए ही जॉब है, ठीक है? तो वो जो 1000 बकाया है, मतलब जो बचे हुए, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? वॉलेंट्री मतलब कि जॉब है, बीटेक भी है उसके पास और बीटेक की जॉब भी है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता, तो वो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो यहां तक देख लो जरा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये सारे फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बस जो मेजर फॉर्मूला याद रखना ना, ये रखना। बस। और हाँ, एक और, दो और है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वन, ठीक है? बाकी और कुछ मेजर नहीं बचता, यही सारे फॉर्मूले, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है इन फॉर्मूलेज में तो बता दो। चलो ये सीवीटी का पेपर है। चलो ये वाला करते हैं जरा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है? ये भी मैं लिख सकता हूँ ना, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इसे मैं नेगेटिव सेविंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम इनकम। ओके, इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड आउट करना है तो AD. तो इसमें ये भी फॉर्मूला लग सकता है, AD equal to और AS equal to Y होता है, ठीक है? तो 100 plus 0.8 Y plus 260, ठीक है? तो 100 प्लस 0.8 y प्लस 260 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 0.2 y, है ना? जीरो, क्योंकि ये 1 y होगा तो माइनस होगा, तो और 100 प्लस 260 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जरा? 360 अपॉन 0.2 कितना होगा? 72 इतना ही आ रहा है? कितना ऑप्शन में है वो? नहीं है। 360 डिवाइडेड बाय 0.2, 360 डिवाइडेड बाय उसके लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 1/5, तो 360 इनटू 5 हो जाएगा, तो वो जा रहा है 18 नंबर। आह, किसका कितना आ रहा है जरा? इनका फोन पे लगा है, कितना आ रहा है सर? 1800 आ रहा है ना? 1800। हाँ, एक बार फिर से बताना है या आ गया सब? किसी को फिर से बताना है तो बता दो, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी और फिर से समझा देता हूँ, ठीक है? देखो,
तुम्हारे ना दो अप्रोचेस होते हैं इक्विलिब्रियम के, एक तो होता है एडी इक्वल टू एएस, ठीक है, और एएस इक्वल टू वाई भी होता है, मतलब एएस, एएस के दो फॉर्मूले है ना, एक है आपका एएस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और एक है एएस इक्वल टू इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम मतलब, ठीक है, और एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। आपका इक्विलिब्रियम ना दो अप्रोचेस से बिल्डअप हो सकता है, एक एडी इक्वल टू एएस और एक होता है एस इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहां पर जो बिल्डअप हो पा रहा है ना वो एडी इक्वल टू एएस वाला बिल्डअप हो पा रहा है, ठीक है। और अगर वो वाला भी बिल्डअप करना चाहते हो तो देख लेते हैं जरा, अगर मान लो 100 प्लस 0.8 लिख रहा हूं इक्वल टू 100 प्लस 0.2y, एक बार ये सॉल्व कर कर देखना जरा 1800 आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो जरा सॉल्व करो, रुक जाओ ये नेगेटिव होगा, ठीक है, वहां वाला 100 नेगेटिव है। पहले तो ये मैं बता दूंगा कि आया कैसे, पहले ये वाला सॉल्व कर कर देखो 1800 आ रहा है या नहीं आ रहा। नेगेटिव 100 है, ठीक है, उस साइड नहीं, वो तो फिर माइनस माइनस शायद कट जाएगा, देखना 1800 आ रहा है ऐसे कर कर। नहीं आएगा ना, तो इसमें जो फॉर्मूला बिल्डअप होगा वो AD इक्वल टू AS वाला ही होगा। तो AD इक्वल टू AS, ठीक है, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ AD इक्वल टू Y, ठीक है, और AD का फॉर्मूला होता है C प्लस I, I मतलब इन्वेस्टमेंट है, इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मुझे कंजम्पशन गिवन है 100 प्लस 0.8 y इक्वल टू, और इसमें जो एक मिनट, ये तो मैंने ये लिख दिया, प्लस i का मतलब क्या है 260, ठीक है, इक्वल टू y, अब मैंने लिखा 100 प्लस 260 इक्वल टू y माइनस 0.8 y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 y, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 360, ठीक है, अब y इधर ही रहेगा, 360 अपॉन 0.2 हो जाएगा, ठीक है, और 3600 को जब तुम, क्योंकि ऊपर पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। किसे नहीं आया बता दो जरा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब AD इक्वल टू AS, तो उसने कहा है ना, लेकिन इस पे हम कैसे बताओ, देखो इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस रहता है, ठीक है, और कंजम्पशन तुम्हें गिवन है, तो मतलब जो C प्लस आई है वो इक्वल टू यही तो होगा, इसलिए ऐसा किया, ठीक है, ये चीज तो चेंज नहीं हो सकती, और ये चीज निकालने के लिए हमने ये पुट किया इक्वेशन और आ गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को कुछ नहीं आया बता दो जरा, ये जरा ट्राई करो जरा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना, करो जरा, सर 6100, 6100, चलो देखो यही किया है ना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 हो जाएगा,
8000 सर वन माइनस क्यों करेंगे तो एमपीसी दिया हुआ है. अरे सॉरी बी इनटू वाई होता है. हाँ हाँ सही है 0.75 से ही होगा. सॉरी कितना आ रहा है? 6100. किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर मान लो यहां पर एमपीएस गिवन होता ना, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता. यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B into Y. ये कौन कर रहा है? Suppose the producer plans to add 100 crore. 100 crore the change in investment. Suppose the producer plans to add 100 CR worth of goods to her stock by the end of the end of the year. ठीक है, तो उसने जो ex-ante estimate कर रखा था 100. नहीं, वो तो 70, क्योंकि 30 उसके पास पहले से था. Suppose the producer plans to add 100 crore. 100 crore वो तो बहुत है, मतलब total 100 होने चाहिए, उसके पास 30 crore पहले से था. उसने वाला 30 crore from her existing stock. Suppose the producer plans to add 100 CR worth of goods to her stock by the end of the year. However, due to the unforeseen upsurge of demand for her goods in the market, she had to sell goods worth 30 CR from the existing stock. औरों को क्या लग रहा है इसका आंसर?
However, due to the unforeseen upsurge of demand for imports and importation, we had to sell goods for this year and existing sort of. एक बार नेट पे सर्च करना ही है, एक बार नेट पे सर्च करना ही वाला है क्वेश्चन. नेट पे है सर, एग्जैक्ट नहीं मिला बट इससे एक सिमिलर एक्सप्लेनेशन मिली. एक बार भेजो मुझे, भेजो. यस सर. एक बार इसके ऐसे मैं ना एयर ड्रॉप कर दू. अच्छा वो बुकी एयर ड्रॉप कर दो, बोल सकते हैं राहुल, मतलब आईपैड आ रहा है सर. मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है. हाँ, बाकी हमें मिल गया है वो, ये उसका है, एनसीईआरटी का ही है पूरा लाइन टू लाइन. ये देखो ये रहा.
Similarly, investment can mean the amount a producer plans to add to her inventory. It may be different from what she spent up doing. Suppose the producer plans to add 100 worth of goods to her stock by the end of the year. Her planned investment is therefore be 100 in that year. तो अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 100 वाला तो एक्स एंटे हो गया, ठीक है. However, due to the unforeseen upsurge of demand for her goods in the market, the volume of her sales exceeds what she had planned to sell. And to meet the extra demand, she has to sell goods worth of 30 from her stock, जो उसके पास पड़ा हुआ है. Therefore, at the end of the year, her inventory goes up by rupee 100 minus 30 to 70 only. So her planned investment is 100. So ex ante 100 ho gaya. Whereas her actual or ex post investment is 70 only. Isliye NCRT important. Lekin uska ex post 70 kaise hua? 30 ka to stock waste kiya. Nahi, wo 100 ka chalate hue aata hai. Acha. To 30 agar usne nikal diya to ab uske paas end mein bas 70 rahega. Because suppose the producer plans to add 100 worth of goods to her stock. Stock मतलब ये थोड़ी होता है कि market में निकाल दिया. Stock मतलब होता है जो उसके पास in total पड़ा है. ठीक है. By the end of the year, her planned investment is therefore rupee 100 in that year. ठीक है. कि वो इतना produce करने वाला है और उसकी valuation इतनी है. However, due to an unforeseen upsurge of demand for her goods in the market, the volume of her sales exceeds. जो उसने सोचा था, जो उसने एस्टिमेट किया था, उससे ज्यादा हो गया. ठीक है. फॉर हर गुड्स इन द मार्केट द वॉल्यूम ऑफ हर सेल्स एक्सीड व्हाट शी हैड प्लान्ड टू सेल एंड टू मीट दिस एक्स्ट्रा डिमांड शी हैज टू सेल गुड्स वर्थ 30 फ्रॉम हर स्टॉक जो उसके पास पड़ा हुआ माल. ठीक है. देयरफॉर एट द एंड ऑफ द ईयर हर इन्वेंट्री गोज अप बाय रुपी 100 माइनस 30 70 ओनली. तो हर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज रुपी 100 वेयर एज मतलब ये ना ये कह रहा है कि उसने सोचा था कि मैं 100 स्टॉक रखूंगा 100 यूनिट्स ऑफ स्टॉक रखूंगा मतलब मेरे पास जो माल पड़ा होगा वो 100 पड़ा रहेगा लेकिन डिमांड ऐसी आ गई कि उस 100 को ना उसे हिलाना पड़ा और 30 से रिड्यूस करना पड़ा बेटा मतलब 100 उसे बचा कर रखना. ठीक है. तो उसने सोचा तो 100 था तो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट 100 हो गया लेकिन उसमें से उसे 30 निकालने पड़ गए. ठीक है. तो एक्सपोज जो हो गया वो 70 हो गया. तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा. तो अब देखो जरा तो इसका जो आंसर होना चाहिए एक्सांटे पूछा है तो सेकंड और एक्सपोस्ट बाद में है तो ये 70. किसी को कोई दिक्कत सर वो 100 में से क्यों माइनस किया 30 तो वो जो 100 वो प्लान इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया 30. जी देखो मैं फिर से बताता हूँ. देखो सबसे पहले ना स्टॉक का मतलब समझना. स्टॉक का मतलब ये है कि वो चीज जो अभी आपने बेचने के लिए नहीं निकाली बस आप उसे फैक्ट्री में रखोगे. ठीक है. और सप्लाई मतलब होता है कि जब आपने उसे बेचने के लिए निकाल दिया. ठीक है. सपोज द प्रोड्यूसर प्लान्स टू ऐड 100 सीआर वर्थ ऑफ गुड्स टू हर स्टॉक. अब ये प्लान्ड हो गया तो एक्सांटे इन्वेस्टमेंट 100 हो गया. तो जो पहला ऑप्शन है ये दोनों तो डिलीट हो जाएंगे. ठीक है. अब जो ऑप्शन बचेगा वो हमारे पास ये दो बचेगा. इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा. ठीक है. और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सांटे इन्वेस्टमेंट पहले गिवन. ठीक है. तो ये समझ आया कि 100 तो होना ही है. यस सर. बाय द एंड ऑफ द ईयर हाउएवर ड्यू टू एन अनफोर्सीन अपसर्ज मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा आ गई ऑफ डिमांड फॉर हर गुड्स इन द मार्केट शी हैड टू सेल गुड्स वर्थ ऑफ 30 करोड़ फ्रॉम हर एग्जिस्टिंग स्टॉक. मतलब उसने 100 प्लान किया होगा तो उसने 100 प्रोड्यूस भी किया होगा. अरे क्यों कर रहे हो यार मतलब नहीं पढ़ना तो चले जाओ. कैसे होगा ये देखना जरा. हाँ कभी IMS तुम्हें ऑडियो की फैसिलिटी नहीं देता.
सर तो जो 100 प्लान करके स्टॉक में डाला था वही वाले स्टॉक में से 30 माइनस किया। हाँ 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 ओके सर थैंक यू। चलो ये किसी को डाउट इसमें? ये वाला समझ नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया ठीक। चलो पहले एनसीईआरटी से वो पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ पूरा फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। एक मिनट ओके तो ध्यान से सुनना। इन द चैप्टर ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वी हैव कम अक्रॉस द टर्म्स लाइक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और टोटल आउटपुट और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसने कितना रिटर्न बिल्डअप किया। दीज टर्म्स हैव ड्यूअल कनोटेशन In chapter 2, they have were used in accounting sense, denoting actual value of these items as measured by activity within the economy in certain year. We call these actual or accounting value as exposed. Jo matlab reality mein hua hai, usse exposed kehte hain. Measures of these items. These terms, however, can be used with different connotation. Consumption may denote not what people have actually consumed in a given year, but what they had planned to consume during the same period. जो उन्होंने सोचा है कि in future वो करेंगे. Similarly, investment can mean the amount of producer plans to add to the inventory. ठीक है? So investment का मतलब क्या? Investment का मतलब है कि क्या वो plan कर रहा है कि वो inventory में add on करेगा. ठीक है? Similarly, investment can mean the amount a producer plans to add to the inventory. तो अगर बोल रहा है कि producers ने ये investment का सोचा है, तो plan कर रहा है कि add में कितना stock में वो add करना चाहता है, ठीक है? It may be different from what she spends up in doing. Suppose the producer plans to add 100 worth of goods to her stock by the end of the year. कि मतलब at the year end, उसके पास 100 यूनिट्स मान लेते हैं इसे 100 यूनिट्स वो लेने वाला। हर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर 100 इन दैट ईयर। ठीक है तो उसका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितना है कि 100 होगा उस साल। एट द एंड वो 100 प्रोड्यूस कर देगा। हाउएवर ड्यू टू एन अनफोर्सीन अपसर्ज ऑफ डिमांड फॉर हर गुड्स इन द मार्केट वॉल्यूम ऑफ हर सेल्स एक्सीड व्हाट शी हैड प्लान्ड टू सेल। ठीक है उसने सोचा था 100 प्रोड्यूस करेगा और 100 ही का वो बिकेगा और इस टाइप की चीज। टू मीट दिस एक्स्ट्रा डिमांड शी हैज टू सेल गुड्स वर्थ 30 फ्रॉम हर स्टॉक। देयरफॉर एट द एंड ऑफ द ईयर हर इन्वेंट्री गोज अप बाय 100 जो उसने सोचा था कि इन्वेंट्री रखेगा माइनस 30 जो उसकी जेब से चला गया तो 70 ही बचा। तो हर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज 100 वेयर एज हर एक्चुअल और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट इज 70 ओनली। लेकिन उसको तो 100 मेंटेन करना था। हाँ अगर उसने 30 सेल आउट हो गए तो उसे 30 एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। नहीं तो ये जो चीजें तुम पढ़ रहे हो ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली पढ़ते हो कि रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके आज इतना कर लेते हैं ठीक है बाकी से 3:30 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर।